बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र और फजल के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। बहुत टाइम तक ना मैं सोच रहा था ये बात कि मैं आपको ना अपना विलेज टूर देना चाहता हूँ कि मैं किस गाँव में रहता हूँ और कहाँ रहता हूँ। तो आज वो मौका मिला है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करना कि मेरा गाँव कहाँ पर है और मेरे गाँव की स्थिति क्या है, तो इसमें डेवलपमेंट कितनी है और ये पॉवर्टी लेवल अगर हम देखें तो कितनी है। तो इंशाल्लाह आज वो मौका मिला है तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा गांव कहाँ पे है और किस हालात में है। जितना मुझसे कवर हो सकेगा मैं उतना कवर करूँगा और आप लोगों के सामने एक बेस्ट कंटेंट पेश करने की कोशिश करूँगा। तो इस वक्त जी मैं मेन स्पॉट पे पहुंच चुका हूं, मैं घर से अभी निकला। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा लुक दिखाता हूँ कि मेरा गाँव कैसे डिवाइड हो चुका है और इसकी जो बाउंड्री है वो कैसे डिवाइड हो चुकी है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरी चैनल की ना ग्रोथ हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये आप इस तरफ देख सकते हो, ये मेरे गाँव का ना रोड यहाँ से जा रहा है जो कि यहाँ से होकर आता है पूरा यहाँ पे। ये केपी रोड से लिंक है जो कि येनर में वाका है, तो वहाँ से रोड निकल के सर्कट रोड आप इसे मान लो तो ये यहाँ तक आता है। तो बस यहीं तक है, बाकी मेरा गांव अगर आप देखो वहाँ ऊपर जहाँ पे ये बादल है वहाँ से स्टार्ट होता है बिल्कुल वहाँ नीचे तक जहाँ पे मेरी उंगली स्पॉट कर रही है वहाँ तक। तो रोड की एक छोटी सी लिंक है जो यहाँ तक है, इसके बगैर आने का कोई और सोर्स नहीं है। बस एक ही रोड है जिस पे ना 3-4 दिन तक बर्फ़ नहीं उठती। सुबह से ना बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, हमें घर से बाहर निकलना है लेकिन रोड से ना बर्फ़ हट ही नहीं रही है क्योंकि जो आते हैं बर्फ़ हटाने के लिए मशीन्स वगैरह तो वो अभी पहुंची नहीं है। सुबह से फ़ोन कर करके DDC, JEE, सरपंच पंच सबको हमने बताया लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तो चलिए बहरहाल ये अलग सवाल है, इसको यहीं पर स्टक करते हैं। तो ये एक नदी बह रही है यहाँ से आप देख सकते हो और वो दूसरा गाँव है उसका नाम है सृच्छन और ये जो गांव है इसका नाम है हुखाड़ जो कि सृच्छन के साथ ही लिंक है। ये किसी गूगल मैप पे नहीं आता है, कहीं पे भी नहीं आता है। आप अगर सृच्छन सर्च करें, ये जो नाम मैंने दिया है अगर वो सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको मेरे गांव का भी नाम साथ में ही मिल जाएगा। वैसे अगर गूगल पे आप सर्च करो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर बना है जी एक होटल, ये आप देख सकते हैं ये होटल है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बगल में एक और होटल बन रहा है तो अभी वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी संगे बुनियाद अभी तक नहीं हुई। तो चलिए इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो दुआ है कि ये कंप्लीट जल्द से जल्द हो जाए। और नीचे है जी केपी रोड, यहाँ पे पूरा अभी अखरोट के दरख्त सामने हैं जो दिख नहीं रही हैं, वहाँ पर है केपी रोड यहाँ पर पूरा। और उसके उस साइड में ये मोवरा पहलगाम का इलाका है ये वाला। तो यहाँ पर जो ये होटल्स वगैरह आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। तो चलिए ये भी एक डेवलपमेंट का ज़रिया है। और बाकी जो ये आप देख रहे हो ये ऐश मुकाम तक पूरा यहाँ से ना व्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है जी यहाँ का पुल जो कि डिवाइड करता है हमारे गांव को दो पार्ट्स में। ये पुल है, ये यहाँ से अगर आप वहाँ चलो तो वो सृच्छन का इलाका है और यहाँ से वहाँ अगर आप चलो तो वो हुखाड़ का इलाका है। और ये नो मैंस लैंड है, अभी मैं नो मैंस लैंड में मतलब कि बॉर्डर पे खड़ा हूँ और यहाँ से पानी बह रहा है आप देख सकते हैं सामने। ये देखो ये छोटी सी नदी अभी दिख रही है आपको, लेकिन मार्च अप्रैल में मैं इसका वीडियो बनाऊँगा तो तब आपको ना बहुत ही भयंकर दिखेगी। और यहाँ पर कुछ घर भी बसे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला घर है जो कि बर्फ़ के ना दरख्त के पीछे आ चुका है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हर तरफ जो आप ये दरख्त देख रहे हो सब तरफ जहाँ पे मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ अखरोट के दरख्त है जो कि मेन सोर्स है मेरे गांव का। तो इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे आता है तो वो है सेब। तो यहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती है ना बर्फ़ में तो बहुत मुश्किल रहती है भाई लोग यहाँ से जाने में क्योंकि स्लिप होती है बहुत ज़्यादा। तो बाइक का जाना तो बहुत ही नामुमकिन, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो गाड़ियाँ जुगाड़ करके चली जाती है। ये देखें जी ये है यहाँ पर पानी, लेकिन एक बेहतर बात मैं आपको बता दूं, पानी ना यहाँ का यहाँ पे जो पानी है ना वो गर्म है क्योंकि साइड में कहीं पे भी जहाँ से ये पानी गुजर रहा है ना वहाँ पे बर्फ़ नहीं है। तो इसका पहले टेस्ट करते हैं।
तो अभी यहाँ से मैं वापस आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम समर में नहाते कहाँ पे हैं। सभी हम दोस्त यार ना एक जगह पे नहाते हैं, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। लेकिन वहाँ का पानी ना इस वक्त माइनस होगा यार, बहुत लिटरली माइनस होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं वहाँ पे जाने की। तो ये है जी वो जगह जहाँ पे हम लोग ना समर में आते हैं नहाने के लिए। तो ये वो पानी है जिसमें हम समर में ना नहाते हैं। अभी तो आपको उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, फिर ना हम मार्च में एक काम करते हैं, मार्च अप्रैल में यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे पानी की लेवल जो है वो इनक्रीज हो जाती है। आपको एक पत्थर से ना समझ आ रही होगी कि यहाँ तक पानी रहता है, यहाँ तक पूरा यहाँ तक पानी रहता है। तो इसमें फिर हम सभी लोग यहाँ पे नहाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है, मैं पानी को पहले हाथ लगा के देखता हूँ। बहुत ठंडा है यार, जो मैंने अभी पिया ना उससे बहुत ठंडा है। विंटर में ना जब बर्फ़ उठाते हैं तो हम यहाँ पे ना क्रिकेट खेला करते हैं यार। तो मैं आपको यहाँ की बाउंड्री दिखा देता हूँ। वो जो दीवार आपको दिख रही है छोटी सी, ये यहाँ से 6 है और ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर है। चलिए उसको छोड़ दीजिए। और साइड में जो ये वाली दीवार दिख रही है ये भी बाउंड्री है, और नीचे वो पुल जो दिख रहा है वो बाउंड्री है। तो यहाँ चलिए यहाँ से अब चलते हैं ना अपने मेन जो हमारी दुकान वगैरह है वहाँ पर, तो वहाँ पे चलते हैं। गाड़ी का हालात भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी समर में गाड़ियाँ कैसे रहती है। ओके तो चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए जी गाड़ियों की हालात क्या है यहाँ पे। गाड़ियाँ पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं और गाड़ी रखने का ना एक मेन जगह जो है वो यही है, लेकिन इसमें बर्फ़ हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो ये वाली गाड़ी ना ज़ीशान बाइक है, देखिए किस तरीके से बंद हो चुकी है। इसे विंटर में ना कोई भी कोशिश नहीं की है इसको यहाँ से निकालने की, ना इसके ऊपर से बर्फ़ उतारी है, ना ही साइड से, कहीं से भी नहीं। मशीन आती है बर्फ़ उठा के चली जाती है और इसके साइड में जमा करके चली जाती है। तो चलिए बढ़िया है, विंटर में ना ही चलाएं तो वही बेहतर है। और ये मेरी गाड़ी है, इसको भाई चलाते हैं, मैं नहीं चलाता क्योंकि मुझे ड्राइविंग आती नहीं है अभी। तो देखिए इस पे भी बर्फ़ थोड़ी सी जम चुकी है, तो चलिए इसको फ़िलहाल यहीं रहने देते हैं। तो अभी शायद बर्फ़ उठ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इसको यहाँ से निकालते हैं। और ये वाली बर्फ़ कल रात को हुई है। ये यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये है हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कि मेरे घर से 100-200 मीटर की दूरी पर है। और ये वाली जो रोड आ रही है ना यहाँ से, तो इससे बर्फ़ नहीं उठाते हैं, ये थोड़ी सी सर्कट रोड है यहाँ से, अपने मेन रोड से जो गुजरती है उसका सर्कट है। तो अभी खाम ही है, कच्चा है, इस पर मैगडम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो सामने है जी हमारी मस्जिद शरीफ। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर। तो चलिए इस वीडियो की ना थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं और ये वाला वीडियो भी अपलोड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ना मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, साथ में जो मेरा फ़ोटो आ रहा है उस पर क्लिक करके ना सब्सक्राइब करें, और साथ में जो वीडियो आ रहा है उसको देखें क्योंकि वो मेरी शादी का वीडियो है। ओके टिल देन, खुदा हाफिज़, बाय।